हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सामान्य भूगोल की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग विश्व के जो पर्वत हैं, जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, कौन से देश में स्थित हैं, कौन से आपको जो है ना, हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है, ये सब सारी चीजों को देखेंगे। पर्वत, ज्वालामुखी, इन सब सारी चीजों को तो देखते हैं। आज का हमारे पास है पहला प्रश्न। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो ये है, उसमें से कुछ आपको एक दो क्वेश्चन पहले के भी जो है रह गए हैं उसको देख लेते हैं। किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो रात और दिन आपको किस तिथि को बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23 सितंबर को जो है ना, आपको रात और दिन उत्तरी गोलार्ध में बराबर होता है। भारत किस में आता है आपको? उत्तरी गोलार्ध में। ये जो है ना आपको अर्थ हुआ, तो इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा, ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है ना आपको यहाँ कहीं स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो रात और दिन जो है ना उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को बराबर होता है। कब बराबर होता है रात और दिन? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। इक्विनोक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन और रात आपको उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को, ठीक है, और आपको 21 मार्च को जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 महीना का होता है। देखिएगा, 6 महीना का डिफरेंस होगा, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। सितंबर, देखिएगा, 23 सितंबर को त आ रहा है, त तो उत्तरी, उत्तरी में 23 सितंबर, उत्तरी में 23 सितंबर, सितंबर, तो आपको उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर, तो यहाँ पे भी त आ रहा है, उत्तरी में भी और सितंबर में भी त आ रहा है, ठीक है। बाकी 21 मार्च को भी जो है ना दिन और रात आपको दक्षिणी गोलार्ध में बराबर होता है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो वर्ष भर रात और दिन आपको भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। वर्ष भर आपको दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा दिन है, वो आपको उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, ऐसे याद कर लीजिए 22 दिसंबर को। जैसे हम लोग ठंडी में क्या होता है, दिन का समय छोटा रियल में भी होता है, वो भी दिसंबर, मिड दिसंबर की बात की है, लगभग मिड दिसंबर की बात है, तो उस समय जो है ना बहुत तेज ठंड पड़ती है और उस समय जो है ना धूप निकलता ही नहीं है। मतलब दिन जो है ना क्या होता है, बहुत छोटा होता है। 22 दिसंबर को आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। रातें बड़ी होती हैं। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो हमने अभी जस्ट बताया था कि आपको सबसे बड़ा दिन 21 जून को, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को, गर्मी में, सिंपल सी बात है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इसमें गर्मी, गर्मी में जो है ना आपको दिन क्या होता है, बड़ा होता है, वो भी जून का टाइम है, तो आपको सबसे बड़ा 21 जून को, ठीक है। हम लोग वैसे भी याद करेंगे कि जो सबसे जो बड़ा दिन था वो 21 जून को था, सबसे छोटा दिन दिन, दिन कब था? 22 दिसंबर को। तो इसमें भी जो है ना कितने महीने का गैप है भाई, तो इसमें भी जो है ना आपको 6 महीने का गैप है। आप लोग काउंट कर लीजिए, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो देखिए, और 22 से 21 के बीच आ रहे हैं, तो 22 दिसंबर को जो है ना सबसे छोटा दिन और आपको 21 जून को सबसे बड़ा दिन, ठीक है। हमारे पास जो अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ये तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में कर रहे थे सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में। अब देख लीजिए, इसको याद करने का तरीका है कि आपको सबसे जो बड़ा दिन था वो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या था भाई, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन आपको उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन कहाँ पे भाई, तो दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को क्या था, सबसे बड़ा दिन था उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या था, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध वाला याद कर लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध वाला उल्टा कर दीजिएगा। 22 दिसंबर को जो है ना आपको सबसे छोटा दिन था कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे पूछा क्या, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है ना आपको पूछा, बड़ा दिन पूछा है, तो बड़ा दिन क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन क्या था, उत्तरी गोलार्ध में,
तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा आपको, सबसे बड़ा दिन। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग का जो है ना आपको प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने में, पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने में आपको यूरेनियम डेटिंग। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है, कौन सा गैस निकलता है ज्वालामुखी से सबसे अधिक? तो जलवाष्प सबसे अधिक निकलता है ज्वालामुखी से। माउंट एटना क्या है भाई? एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है आपको? एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। हमारे पास अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत साउंड माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो आपको अमेरिका में है। ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है? तो अमेरिका में है आपको ज्वालामुखी पर्वत, माउंट सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस आपको अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? तो अमेरिका में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का, हवाई द्वीप का, एक हवाई द्वीप पर जो है ना, हवाई द्वीप के लगभग आधे मतलब जो है ना भाग पे विस्तृत है मौना लोआ आपको ज्वालामुखी। एक ऐसा ज्वालामुखी है भाई, तो मौना लोआ आपको एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये अमेरिका में, अमेरिका के हवाई द्वीप पे स्थित है। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है मौना लोआ ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक जागृत ज्वालामुखी है। मौना लोआ कैसा ज्वालामुखी है भाई? तो अभी जस्ट देखा, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ, इसको एक्टिव वोल्केनो अंग्रेजी में बोला जाता है, और या जागृत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो, कौन सा? माउंट किलिमंजारो, ये आपको तंजानिया में है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, किलिमंजारो पर्वत जो है ना अफ्रीका में आता है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये अगर इसका जो पर्वत सबसे जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो आपको तंजानिया में स्थित है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है भाई? तो स्ट्रामबोली को। स्ट्रामबोली क्या है? तो एक एक्टिव वोल्केनो है, एक जागृत ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्रामबोली। स्ट्रामबोली कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, जिसको हम लोग स्ट्रामबोली को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अमेरिका के हवाई द्वीप में किलायु ज्वालामुखी स्थित है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग जो है ना भूकंप तरंग के मापन के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो है ना आपको एक यंत्र है, जिसका जिसके सहायता से हम लोग भूकंप तरंगों को मापते हैं। सिस्मोग्राफ के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, भूकंप तरंगों का मापन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो आपको सुनामी एक जापानी भाषा है। सुनामी क्या है?